हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को गुड इवनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, जल्दी से बात कर लेते हैं बिटकॉइन को लेकर, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर अब बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और अब हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ और साथ ही में CHR टोकन को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर यह वीडियो आप सभी के लिए हमेशा की तरह बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दूं, मैंने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड करी थी, जिसके अंदर मैंने टॉप 6 कॉइन्स के अंदर जो चार्ट पैटर्न बन रहे थे वो आपके साथ में शेयर किए थे। अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स ने इस वीडियो को नहीं देखा है। देखिए, मैंने आपको इसी के अंदर IOTX डेंट के बारे में भी बताया था और प्रेजेंट टाइम पर IOTX और डेंट कॉइन की प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला है और इसका रीजन भी मैंने आपको एक दिन पहले ही इस वीडियो के अंदर बता दिया है कि किस तरह से IOTX कॉइन और डेंट कॉइन की प्राइस के अंदर मूव देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की ओर। तो देखिएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $48,779 के आसपास और मैंने आपको कल एक फॉलिंग वेज चैनल के बारे में बताया था कि बिटकॉइन की प्राइस पिछले कुछ दिनों से इस तरह से फॉलिंग वेज चैनल के अंदर मूव कर रही है। अगर इस फॉलिंग वेज चैनल का ब्रेकआउट होता है तो बिटकॉइन की प्राइस आपको शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश देखने को मिल सकती है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ है, इस ट्रेंड लाइन से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर देखने को मिली है और यहां कहीं तक बिटकॉइन की प्राइस देखने को मिली है, तो जिसके चलते बहुत सारे अल्ट कॉइन के अंदर भी एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को लिए। अब बहुत सारे फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे कि अब तो बस बिटकॉइन की प्राइस यहां से बहुत ऊपर जाने वाली होगी, लेकिन फ्रेंड्स जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहली बात, जो बिटकॉइन को पहला रेजिस्टेंस मिलने वाला है सबसे बड़ा, वो $50,000 के आसपास मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा $52,000 के आसपास। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है 200 MA की लाइन और प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और सबसे राहत की बात यह है कि बिटकॉइन की प्राइस वन डे के टाइम फ्रेम पर इस मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको थोड़ा बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन इस मूविंग एवरेज के आसपास अपना सपोर्ट नहीं बना पाएगा तो ऐसे में बिटकॉइन की प्राइस वापस से आपको नीचे देखने को मिल सकती है। अगर बिटकॉइन यहां पर इस मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट बनाता है तो बिटकॉइन की प्राइस आपको इस तरह से देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि पहला रेजिस्टेंस $50,000 के आसपास मिलने वाला है और दूसरा मेजर रेजिस्टेंस $52,000 के आसपास मिलने वाला है। देखिए, जब तक बिटकॉइन की प्राइस इस बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आ जाती है और उसके साथ में इन दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर नहीं आ जाती है, तब तक आपको अलर्ट रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आप पंप देख रहे हैं ये फेक आउट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स अगर बिटकॉइन की प्राइस वापस से इस ट्रेंड लाइन से नीचे देखने को मिलती है तो ऐसे में बिटकॉइन की प्राइस आपको इसी फॉलिंग वेज चैनल के अंदर देखने को मिल सकती है और अगर इस फॉलिंग वेज चैनल का ब्रेकआउट होता है तो इस तरह से बिटकॉइन की प्राइस का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अभी आपको केयरफुल रहना है, अभी आपको आंखें बंद करके ट्रेड नहीं लेनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो बस बिटकॉइन की प्राइस यहां से बहुत ऊपर जाने वाली है। माय फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अब मैं बात कर लेता हूं CHR टोकन को लेकर। तो देखिएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम पर CHR टोकन की प्राइस चल रही है $0.6385 के आसपास। इस तरह से इसकी प्राइस अपने को यहां कहीं तक देखने को मिली, फिर उसके बाद मार्केट में क्रैश देखने को मिला, जिसके चलते इसकी प्राइस के अंदर भी एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिला और पिछले कई दिनों से CHR टोकन की प्राइस इस तरह से एक चैनल के अंदर मूव कर रही है, जिसके अंदर ये जो आप दो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो CHR टोकन की प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला और प्रेजेंट टाइम पर लगभग 19% का एक पंप देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको CHR टोकन के बारे में जो कुछ बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी इस लेवल के बारे में बताया था कि अगर इस लेवल के आसपास CHR टोकन की प्राइस देखने को मिले तो यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं और ये लेवल था 0.4804 के आसपास का और आप देख सकते हैं इस तरह से CHR टोकन की प्राइस लगभग इसी लेवल के आसपास देखने को मिली और इस तरह से वापस से ऊपर भी देखने को मिली। तो जिन मेरे भाइयों ने यहां पर एंट्री ली होगी उनको इस टाइम पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए और अगर आप अब CHR टोकन के अंदर नई एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट करिएगा। यहां पर देखिएगा, इस तरह से CHR टोकन की प्राइस एक आयताकार बॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है और फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार आयताकार बॉक्स के बारे में बताया कि जब भी किसी कॉइन की प्राइस आयताकार बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है तो वहां पर उस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर एक अच्छा खासा पंप आने की संभावना पूरी पूरी बन जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इस आयताकार बॉक्स का ब्रेकआउट होता है तो ऐसे में CHR टोकन की प्राइस आपको इन तीनों लेवल्स तक देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर एक लेवल है 0.75 के आसपास का, एक लेवल है 0.8489 के आसपास का और एक
एक लेवल है 0.9721 के आसपास का। अभी आपको वेट करना है शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस आयताकार बॉक्स की ये जो लाइन आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस CHR टोकन को मिलने वाला है और ये लेवल है 0.6975 के आसपास का। तो अगर इस लाइन के आसपास CHR टोकन की प्राइस स्टेबल हो जाती है तो यहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं। अभी CHR टोकन की प्राइस इस लाइन से बहुत नीचे चल रही है। और फ्रेंड्स उसी के साथ में एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो आप पीली कलर की लाइन देख रहे हैं ये है 100 डेज मूविंग एवरेज की लाइन, और फ्रेंड्स यहां इससे ऊपर प्राइस देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस मूविंग एवरेज के आसपास CHR टोकन अपना सपोर्ट बना सकता है और इस तरह से अपने को CHR टोकन की प्राइस देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। अब देखिए अगर CHR टोकन की प्राइस दोबारा अपने को इस चैनल के अंदर देखने को मिलती है तो अपने को इस तरह से CHR टोकन की प्राइस देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी अगर मार्केट की स्थिति सही रहती है तो CHR टोकन की प्राइस आपको इस तरह से ऊपर ही देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स अगर आपको यहां कहीं CHR टोकन की प्राइस देखने को मिले इस ट्रेंड लाइन के आसपास तो यहां पर आप एक शॉर्ट एंट्री बनाकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अगर इन लेवल्स तक CHR टोकन की प्राइस देखने को मिले तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।